भारतीय जनता पार्टी सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल चुनावी रैलियों के लिए कर रही है। चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक रैली 16 फरवरी को रेवाड़ी के अंदर रखी गई, चाहे वो शिलान्यास के बहाने। परंतु कमाल है कि उस रैली के अंदर हरियाणा सरकार की कुल 3691 बसों में से 1470 बसें रैली के आयोजन के लिए लगाई गई, यानी कि 2 दिन के लिए पब्लिक की आवाजाही ठप, केवल और केवल रैली का ही काम होगा। पहले हरियाणा सरकार ने चारों तरफ से हरियाणा के जनता को बंधक बनाया हुआ, पंजाब बॉर्डर पे भी और दिल्ली बॉर्डर पे भी, और अब रही सही कसर हरियाणा के अंदर भी मूवमेंट ना हो सके, ये 1470 सरकारी बसें, रोडवेज की बसें रैली के आयोजन के लिए लगा दी। 3691 बसों में से कुछ बसें तो वैसे ही खराब है, और जो सही है वो रैली में लगा दी। 2 दिन जनता का क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, मैं माननीय खट्टर साहब से पूछना चाहता हूं। इसके साथ साथ रोडवेज कर्मचारी संघ ने भी इसका विरोध किया, ड्राइवरों ने भी इसका विरोध किया। जब जब ड्राइवर कहीं हड़ताल पे जाते हैं तो आप कहते हैं जनता का क्या होगा, अब सरकार जनता को परेशान कर रही है, पूछना चाहते हैं कि जनता का क्या होगा। इतनी बड़ी संख्या के अंदर हरियाणा रोडवेज की बसों को रैली में लगा के हरियाणा के आम जन को कितनी तकलीफ पहुंच रही है, इसका अंदाजा खट्टर साहब को लगाना पड़ेगा। हम इस फैसले की कड़ी निंदा करते हैं, सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस फैसले को तुरंत वापस ले, रैली के लिए प्राइवेट बसों का इंतजाम करे, जनता को तकलीफ देना बंद करे। जय हिंद। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।